नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने ही चैनल माही द टेकी पर। तो MI स्मार्ट बैंड प्रो हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल रियलमी बैंड 2 या ऑनर बैंड 6 की तरह इसको बड़े स्क्रीन साइज के साथ निकाला गया है। तो ये ना स्मार्ट वॉच होती है ना स्मार्ट बैंड की तरह जो पतली स्क्रीन होती थी, थोड़ा सा बीच का वर्जन है। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फीचर्स के साथ आ रहा है, तो देखेंगे क्या आपके लिए लेना सही है नहीं। पूरी ठोक बजा के अपनी माही द टेकी स्टाइल में इसकी टेस्टिंग कर ली है, तो देखते हैं वीडियो में कि इसका क्या हाल होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है खूबसूरत सा बॉक्स हमारे सामने, आप देखिए की फीचर एक्सप्लेन कर दिए गए हैं भाई, मैग्नेटिक चार्जिंग है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स आप देख सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या है आपको यहाँ बता दिया गया है, मेन मेन फीचर्स। अब इसको जरा ओपन करके देखते तो अंदर मैनुअल मिल जाता है, इस बार थोड़ा सा अच्छा डिटेल में यहाँ देखने को मिलता है हमें मैनुअल एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैनुअल्स। और उसके बाद ये पोगो पिन चार्जिंग केबल यहाँ भी देखने को मिलती है थोड़े से डिफरेंट स्टाइल की। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 1.47 इंचिस का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 194x368 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ में। नीचे की तरफ थोड़े से बिजल देखने को मिलते हैं, बाकी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग पॉलीकार्बोनेट की बनी है। पीछे आप सेंसर्स की प्लेसिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लुक है। स्ट्रैप्स जो हैं इसके रिप्लेसेबल हैं, 18mm का इसमें जो बैंड वाला स्ट्रैप है देखने को मिल जाता है, तो लुक्स में काफ़ी अच्छा काम किया। ट्रेडिशनल MI के जैसे स्ट्रैप्स आते हैं वैसे ही स्ट्रैप्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ये है भी दोस्तों काफ़ी लाइट वेट, देखिए सिर्फ 26 ग्राम जो है इसका वेट निकल के आता है। पहन के भी पूरी बैंड वाली ही लुक है जब तक आप इसको फ्रंट से ना देख लें। फ्रंट में थोड़ा सा चौड़ा डिस्प्ले होने की वजह से लगता है कि हाँ थोड़ा बैंड और स्मार्ट वॉच के बीच की कोई डिवाइस आपने डाली हुई है, बाकी पहनने में काफ़ी प्रीमियम लुक आती है। रेस्ट टू वेकअप का रिस्पॉन्स देखिए इसका काफ़ी अच्छा है, जैसे रिस्ट उठाते हैं आधे सेकेंड से भी कम समय में डिस्प्ले ऑन हो जाता है। उसके अलावा स्क्रीन को अगर आप ऐसे ढक देंगे तो स्क्रीन जो है लॉक हो जाती है और डबल टैप करने पर स्क्रीन वेकअप हो जाती है, इसमें कोई फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलता। पेयरिंग के लिए आपको Xiaomi Wear एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जैसे ही आप अपने बैंड को सर्च करेंगे। उसके बाद इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया एज एक्सपेक्टेड, मतलब इतनी देर लगती नहीं है और चीज़ें भी पेयर करते हैं। अभी वीडियो फॉरवर्ड होके चल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड, तब भी इतना टाइम ले लिया इसने। तो देखिए जो बैंड जो है यूज़ के लिए तैयार हो चुका है, अब स्टार्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद आप नोटिफिकेशन की सेटिंग कर लीजिए। ऐप सेटिंग्स में जाके आपको सबसे पहले मोबाइल में एक्सेस देना पड़ेगा Xiaomi Wear ऐप को, फिर आप इनेबल करेंगे तो आप ये शो ऑन लॉक स्क्रीन वेक स्क्रीन ये सब एक्टिवेट कर दीजिएगा ताकि आपको वॉच में जो है वॉइंट बैंड में जो है नोटिफिकेशन दिखते रहें। एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस जिस ऐप का आपको चाहिए, सारे मोबाइल के ऐप्स के आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। फिर इनकमिंग कॉल की सेटिंग करते हैं तो देखिए आप उसका भी एक्सेस दे दीजिए, शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको नाम दिख सके, इससे आपकी कॉन्टैक्ट बुक का जो है एक्सेस ले लेता है बैंड। उसके बाद अगर बात करते हैं बैकग्राउंड एक्टिविटी परमिशन जो है ज़्यादातर ऑटोमेटिकली इनेबल होते हैं, फिर भी नहीं है तो आप इसको इनेबल जरूर कर दीजिए। हार्ट रेट में आप जो भी लो हार्ट रेट और हाई हार्ट रेट का अलर्ट सेट कर सकते हैं, उसके बाद SpO2 का भी जो है आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्ट्रेस मॉनिटर इसमें आपको देखने को मिलता है ऑल डे का, कैमरा कंट्रोल, वेदर अपडेट सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसके बाद वर्कआउट्स में जाएंगे तो जो रेड कलर वाले हैं ऑलरेडी बैंड के अंदर है, और उसके अलावा ये जो बाकी वर्कआउट्स हैं आप यहाँ से जाके इनको ऐड कर सकते हैं, ये आपके बैंड में जो है दिखने लग जाएंगे जो भी आपको यूज़ करना हो। विजेट्स के अंदर भी आप इनको जाके चेंज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ऐप का लेआउट भी है, लिस्ट या ग्रिड जो चाहिए वो भी चेंज हो सकता है। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है, एक तो एमोलेड स्क्रीन है तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आती है, और ऑटो ब्राइटनेस होने की वजह से ब्राइटनेस भी इसमें अपने आप एडजस्ट होती रहती है अकॉर्डिंग टू दी लाइट्स अवेलेबल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी डस्ट और वाटर प्रूफिंग की, तो देखिए ये 580 mm वाटर प्रूफ है, मतलब 50 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं, हैवी रेन्स एंड स्प्लैशेज को भी ये झेल पाएगी, स्विमिंग के लिए भी ये आइडियल है। तो देखिए लेफ्ट स्वाइप करते ही आपका हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, वेदर अपडेट्स, वर्कआउट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे दिन का एक्टिविटी, ऊपर से जो जनरल सेटिंग्स होती हैं शॉर्टकट्स, उसके ऊपर से नीचे आते हैं तो नोटिफिकेशन, नीचे से आप ऊपर जाते हैं तो वर्कआउट, एक्टिविटी ट्रैकर, स्टैट्स, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, ब्रीथ मोड भी है इसमें, फीमेल साइकिल ट्रैकर, वेदर अपडेट, म्यूजिक कंट्रोलर, कैमरा कंट्रोलर, अलार्म की निराशा है आप बैंड के अंदर अलार्म नहीं लगा सकते, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, नोटिफिकेशंस, फाइंड माई फोन, फ्लैश लाइट एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे बैंड डिस्प्ले में वॉच फेस चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस आते हैं तो इसमें ऑटो एडजस्ट का भी ऑप्शन है जो कि काफ़ी काम का है, बैंड में किसी में नहीं आता रहा। DND वर्कआउट मोड्स हैं, पिन मतलब आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, सेटिंग्स में ऑटो लॉक टाइम 20 सेकेंड तक का सेट कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वाइब्रेशन सिस्टम अपडेट्स सब कुछ।
सरफेस के हार्ट रेट मॉनिटर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ थोड़ी निराशा देखने को मिलती है। बैंड ने जो है सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर कर लिया है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर हाथ पर रख के सही एक्यूरेसी देता है तो वो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बार फिर टेस्ट करके देखते हैं, दूसरी बार भी कर लिया, एयर का हार्ट रेट मॉनिटर नहीं किया। अब जरा हाथ पे बांध कर देखते हैं, तो पहले SpO2 की रीडिंग चेक करते हैं। तो देखिए SpO2 की ऑक्सीमीटर में 97 आ रही है इस टाइम पे, और यहाँ पे जो है बैंड ने 95 शो कर दी है। तो ये दो रीडिंग का डिफरेंस यहाँ निकल के आता है। उसके बाद दूसरी बार दोबारा से मेजर करते हैं, ऑक्सीमीटर में 97 और अब 98 हो गई है रीडिंग, और बैंड के अंदर जो है 97 निकल के आए। तो एक पॉइंट का फर्क यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर हार्ट रेट की अगर रीडिंग की बात करें, देखिए मुझे समझ नहीं आई कि चलाना कहाँ से हार्ट रेट को। फिर इसके बाद हमने इसको जब ऊपर को स्वाइप किया तो पता चला कि ये यहाँ से ऑन होता है। तो फिर यहाँ से हमने इसको मेजर किया, जब इसको मेजर का बटन दबाया तो यहाँ से इसने फिर स्टार्ट किया। तो आप थोड़ा देख लें, क्योंकि जनरली क्या होता है वॉचेज में शुरू में ही ये अपने आप ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस है 7 बीट्स का, 85 था ऑक्सीमीटर में, और सेकेंड टाइम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रीडिंग्स आई है, और यह थर्ड टाइम में आप देखिए फिर सिमिलर रीडिंग देखने को मिलती है। इनकमिंग कॉल अलर्ट में देखिए आप कॉल को साइलेंट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रीसेट क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन है, तो देखिए कॉल को हमने साइलेंट कर दिया है। टेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कोई लैग देखने को नहीं मिलता। देखिए जैसे टेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है तो आप इसको यहीं पे क्लिक करके नहीं पढ़ सकते हैं, जो 4 लाइनें हैं वहीं दिखेंगी। उसके बाद आपको बैक करके जो है नोटिफिकेशंस में जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके आप जो है पूरे का पूरा मैसेज पढ़ पाएंगे। और GTS 2 Mini से भी बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं हैरान हो गया। आप देखिए कम से कम 50 लाइन का मैसेज है और पूरे का पूरा यहाँ पढ़ने में आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा नोटिफिकेशन था। और हिंदी नोटिफिकेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड की बात करें दोस्तों, तो इसमें 110 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं वॉच के अंदर। बैंड के अंदर जो है थोड़े कम होते हैं, उसका बाद आप ऐड कर सकते हैं, बैंड के अंदर से भी ऐड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के थ्रू भी जाके इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसमें कनेक्टेड GPS का सपोर्ट है, तो आप मोबाइल के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप मोबाइल में वर्कआउट ऑन करेंगे तो वो देखिए ऑटोमेटिकली बैंड में भी ऑन हो जाएगा। आप यहीं पे इसको स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और जो आपका पूरे का पूरा वर्कआउट को जो रूट मैप है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो बैंड में नहीं दिखता है, सिर्फ मोबाइल ऐप में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अपने वर्कआउट गोल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए गोल्स में गए, टाइम, कैलोरीज, डिस्टेंस, आपको क्या गोल सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऑटो पॉज का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और ये जो है ये ग्रीन हो जाता है जब आपका GPS कनेक्ट हो जाए। तो देखिए जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो भी स्टेप काउंट जो है चल रहा होता है, देखिए 93-95 जो स्टेप काउंट है इंक्रीज हो रहा है। मैं 500 स्टेप चला तो 489 कैप्चर हुए, 350 चला तो 351 कैप्चर हुए, उसके बाद 500 चला तो दोबारा 511 कैप्चर हुए, 300 पे 296। उसके अलावा कुछ इस तरीके से वॉच के अंदर पूरी वर्कआउट की डिटेल्स नज़र आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में है। मतलब आपको ऐप को रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैडेंस कितना, स्ट्राइड कितना, हार्ट रेट कितना मैक्सिमम मिनिमम गया, हार्ट रेट जोन किस में आप फॉल कर रहे थे जो आपका वर्कआउट था, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप के अंदर भी आप जाते हैं तो आउटडोर रनिंग जैसे आपने सेलेक्ट किया तो आपको पूरा वर्कआउट रूट दिख जाएगा। उसके अलावा तो जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने वॉच में देखी थी वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, और रूट इसने हर बार कैप्चर किया, कभी भी कहीं लैग देखने को नहीं मिला। स्लीप ट्रैकर की एक्यूरेसी की जबरदस्त है, सोने और उठने का टाइम ऑलमोस्ट सही कैप्चर किया। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये कि इसके अंदर आप नैप भी ट्रैक कर सकते हैं, तो जैसे मैं दिन में 40-45 मिनट सोया था तो वो भी इसने कैप्चर किया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। उसके अलावा इसमें डिटेल में स्लीप का एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें वॉच फेसेस की, तो इसके अंदर आपको 60+ वॉच फेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आजकल के हिसाब से काफ़ी कम है और मुझे लगता है कि आगे जाके ये बढ़ जाएंगे। जो भी वॉच फेस हैं काफ़ी अच्छे हैं लगाने में, अच्छे लगते हैं। और जो लाइट कलर का वॉच फेस हम लगाते हैं तो उसे नीचे के बीजल भी जो है क्लियर नजर आते हैं। कस्टम वॉच फेस इसके अंदर है, एनिमेटेड वॉच फेस मुझे इसमें एडिटेबल देखने को नहीं मिला। मोबाइल एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया इसने। जो भी डेटा हम वॉच में कैप्चर कर रहे थे वो फटाफट से जो है मोबाइल ऐप से सिंक हो जा रहा था, ऐसा नहीं था कोई लैग देखने को नहीं मिला या कोई डेटा सिंक होने में दिक्कत आई हो, तो मोबाइल ऐप का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी स्मूथ रहा। बैटरी बैकअप की भी बात करूँ अगर तो कोई इतना खास नहीं है, 200 mAh बैटरी इसमें लगी हुई है, लेकिन बड़ी स्क्रीन होने की वजह से जो है बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है, 3 से 4 दिन ही चल पाएगी एक्सटेंसिव यूज़ करेंगे। जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी जल्दी कंज्यूम हो रही है, और 5 से 6 दिन चल जाएगी आपकी नॉर्मल यूसेज में।
तो वीडियो तो आपने देख लिया दोस्तों इस बैंड का, अब इसकी कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो लुक्स है वो अच्छी है, साथ में जो इसका डिस्प्ले है, आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें देखने को मिल जाती है। बैंड जो है बिल्कुल इन्होंने MI के जैसे सारे बैंड होते हैं वैसा ही लेके आए हैं, तो वो छत थोड़ा चेंज हो जाता तो और अच्छा लगता हमको। फिर बात करते हैं कि इसमें ऑटो ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि किसी भी बैंड में मेरे हिसाब से पहली बार ही देखने को आ रहा है। उसके अलावा कनेक्टेड GPS का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। साथ में स्क्रीन लॉक भी है। फीमेल साइकिल ट्रैकर भी इस बार दे दिया गया है। स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी ज़्यादा ही दिखा रहा है, कम स्टेप्स नहीं दिखा रहा है। डीप इसमें काफ़ी अच्छे से कैप्चर हो रही है और एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इसमें अच्छी हो सकती है। सबसे पहली बात, इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल रही है SpO2 एंड हार्ट रेट की एक्यूरेसी की, तो वहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकती थी। अलार्म सेट करने का ऑप्शन बैंड के अंदर ही देना चाहिए था, जो कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी। इसमें आपको ऐप में सेट करना पड़ेगा, फिर जाके बैंड में अलार्म बजेगा। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक चीज़ और देखी, वर्कआउट के टाइम पे मैं उसकी इमेज या वीडियो वगैरह नहीं ले पाया। कभी कभी जब कोई कॉल आ जाती थी वर्कआउट के टाइम पे, तो ये जो है बैंड डिस्कनेक्ट हो जाता था फ़ोन से, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से इसमें इंप्रूव की जा सकती है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। उसके अलावा बैटरी से मैं इसकी काफ़ी निराश हूँ, मतलब 4 दिन मेरे ख्याल से चलेगी इसकी आपकी, ज़्यादा से 5 दिन आप लगा लो अगर हैवी यूज़ करते हो तो। नॉर्मल यूसेज में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं आपको ये बैंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देखिए अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि MI जैसा ब्रांड है, रेडमी ब्रांड है, इससे हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाती है। और अगर ऐसी एवरेज परफॉर्मेंस अगर निकल के आ रही है इस बैंड में, तो इससे अच्छा तो यार मुझे रियलमी बैंड 2 लगा था, इससे 1000 रुपये सस्ता भी था। AMOLED डिस्प्ले नहीं था, लेकिन बिल्कुल इसकी टक्कर के फीचर थे, एक्यूरेसी भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं आने वाले वीडियो में इनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन जरूर लेकर आऊँगा Honor Band 6 और MI Band 6 के साथ में इस बैंड का, ताकि आप डिसाइड कर पाए खुद देखकर कि कौन सा बैंड लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए तो मैं कहूंगा कि आप होल्ड कीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, शायद उसके बाद इसके जो इश्यूज है ठीक हो जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानने में जरूर मदद मिली होगी कि क्या करना चाहिए अभी इस बैंड के साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके। और रिफर्बिश्ड हमें स्पीड की कोई वॉचेस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं उसके लिए भी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।